सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से खास तौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। पिछले कई हफ्तों से इस उपक्रम का सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ग के कारण बच्चों में बदलाव भी हो रहे हैं, उनके मन पर अच्छे संस्कार हो रहे हैं, राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम उनके मन में निर्माण हो रहा है और इसी प्रकार आगे भी ये संस्कार वर्ग आप सुनते रहना और इसमें जो भी बातें बताई जाए उसके अनुसार अवश्य आचरण करना। चलिए अब आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे क्या करते हैं प्रार्थना करते समय? अपना हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके पूरे एकाग्रता से ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं, उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें भक्ति, शक्ति और बुद्धि दीजिए। ऐसे आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का है, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये जो संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे इतना मन लगाकर देखते हो ना, कि उसके अनुसार आप आचरण भी करते हो, ये सभी बातें हमें पता चलती है, क्योंकि आप सभी बच्चे ये सारा चैट बॉक्स में हमें लिख के भेजते हो। परंतु बच्चों, ये सभी केवल भगवान के कृपा से ही हम कर पा रहे हैं, इसका हमें निरंतर मन में भान रखना होगा। चलो आज कौन से बच्चों ने अभिप्राय भेजा है, उनकी प्रतिक्रिया भेजी है, ये आप देखते हैं। तो आज का जो पहली प्रतिक्रिया है वो भेजी है संस्कृति शेंदुरवाड़कर ने। इसने लिखा है कि उसने स्वभाव दोष सारणी बनाई है और बाद में आर्या श्री श्री माल ने लिखा है कि वो आज से ही सारणी लिखना आरंभ करेगी और अपने स्वभाव दोष कम करने का प्रयास करेगी। बहुत ही अच्छा आर्या, हमें ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ऐसे प्रयास करने से क्या होगा बच्चों? तो हम जल्द से जल्द अच्छे बच्चे बनेंगे और ईश्वर के भक्त भी बनेंगे। तो सभी बच्चे भी आज हमने जो प्रतिक्रिया देखी तो उसके अनुसार सभी ने प्रयास करना है। स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने सीखी है, अगर हम उसके अनुसार आचरण करेंगे तो हमें निश्चित रूप से बदलाव होना ही है।
परंतु उसके लिए कृति तो हमें ही करनी है, ठीक है ना। और बच्चों को फिर से विनती है कि अपने बच्चे का अनुभव लिखने के बाद बच्चे का नाम और जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी वहां पे लिखिए। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने भगवान श्री विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार की एक कथा देखी थी और उसके साथ ही भाव का महत्व क्या है ये भी जान के लिया था। सभी बच्चों को याद है ना। चलो फिर अब आज की कथा कौन सी है ये हम देखेंगे। आज हम गुरु भक्त संदीपक की कहानी सुनने वाले हैं। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे क्योंकि कहानी के बाद उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और 15 सेकंड में उसका जो योग्य उत्तर है वो आपको सोच के रखना है, ठीक है ना। सभी तैयार? चलो फिर आज की ये बहुत ही अच्छी गुरु भक्ति सिखाने वाली कहानी हम आरंभ करते हैं। गोदावरी नदी के तट पर महात्मा वेद धर्म जी, इनका बहुत बड़ा आश्रम था। बहुत से स्थानों से वहां पे विद्यार्थी वेदाभ्यास करने के लिए आते थे। उन सारे शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था संदीपक। संदीपक ये बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था। वो बहुत ज्ञानी था और गुरु भक्त भी था। तो ऐसे ही जब इन सारे शिष्यों का वेदाभ्यास पूरा हो गया तो एक दिन महात्मा ने उन सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे वो कहने लगे, मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी के मन में जो गुरु भक्ति है उस पर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। मैं जितना हो सका उतना मेरा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, परंतु अब आने वाले कुछ समय में मेरे पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण मुझे बहुत बड़ी व्याधि होने वाली है। मेरे शरीर पर कोड आएगा, मेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, उससे दुर्गंध आएगी, मैं अंधा हो जाऊंगा, ये सब होने वाला है। इसलिए अब मैं ये आश्रम छोड़कर बाहर चला जाऊंगा। मेरे ये व्याधि काल में मैं काशी में जाऊंगा और मेरा ये पूरा प्रारब्ध समाप्त होने तक मैं वहां पर ही रुकूंगा। तो अब मुझे बताइए, आप में से कौन कौन मेरे साथ आएगा। गुरुदेव जी के ये सारे वाक्य सुनकर सभी शिष्य एक ही जगह पे स्तब्ध खड़े हो गए थे। कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि गुरुदेव जी की ऐसी दशा में उनके साथ हम कैसे जाए, ऐसा सभी विचार कर रहे थे। परंतु उसी समय संदीपक आगे आ गया और कहने लगा, हे गुरुवर, आप कहां भी जाओ, किसी भी स्थान पे जाओ, तो वहां पे मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी पूरा मन लगा के वहां पे सेवा करूंगा। संदीपक के ये वाक्य सुनकर फिर से गुरुदेव जी कहने लगे, संदीपक, मुझे जो व्याधि होने वाली है, मेरा शरीर पूरा जर्जर हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और तुम्हें वहां पे बहुत ही कष्ट झेलने पड़ेंगे, इसलिए पूरा सोच समझकर फिर उत्तर देना। फिर भी संदीपक उसी विनम्रता से कहने लगा, जी गुरुदेव, कोई भी कष्ट झेलने के लिए मैं तैयार हूं, आप केवल आपके साथ आने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। फिर गुरुदेव जी भी मान गए और फिर संदीपक
और गुरुदेव दोनों भी काशी की ओर निकल पड़े। काशी में कव्वलेश्वर नाम के स्थान पे ये दोनों रहते थे। कुछ ही समय बाद जैसे गुरुदेव जी ने कहा था उसके अनुसार उनके पूरे शरीर पर कोड उभर के आया, उससे पस निकलने लगा। शरीर पर जख्म हो गए, कीड़े हो गए थे, उन्हें आंखों से भी कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ऐसी सारी अवस्था गुरुदेव जी की हुई थी, जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही सारा हो गया। परंतु जो उनका शिष्य था तो वो पूरे मनोभाव से उनकी सेवा करता था। उन्हें स्नान करवाना, उनके शरीर पर जो जख्म थे वो जख्म साफ करना, उसे औषधि लगाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, ये सारे कृतियां वो पूरे मनोभाव से करता था। परंतु यहाँ पे गुरुदेव जी उनके ये सारे व्याधियों के कारण बहुत ही चिड़चिड़े और विचित्र स्वभाव के हो गए थे। परंतु वैसे करने से भी जो शिष्य था संदीपक, वो निरंतर पूरे प्रेम से ही उनकी सेवा करता था। उसके मन में एक भी बार गुरुदेव जी के प्रति अनुचित प्रतिक्रिया नहीं आई, इतनी लगन से वो ये सारी कृतियां करता था। गुरुदेव जी की ये सेवा करते करते संदीपक की सारी वासनाएं अर्थात इच्छाएं भी नष्ट हो गई थी। उसके अंतर मन में अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फैल गया था। वो कहता था, अगर अपने मन से साधना करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, परंतु गुरुदेव जी ने जो राह दिखाया है उस पर अगर चलते रहोगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो पाओगे। अगर मनानुसार साधना करोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अपितु गुरुदेव जी ने जो रास्ता दिखाया है, जो साधना बताई है, उसके अनुसार अगर हम मार्गक्रमण करेंगे तो हम जीवन में कभी भी नहीं भटकेंगे। ऐसे उसके उच्च विचार थे। तो ऐसे गुरुदेव जी की सेवा करते करते बहुत साल बीत गए। संदीपक की ये गुरु सेवा देखकर एक दिन स्वयं भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हो गए और वो कहने लगे, संदीपक तुम्हारे इस गुरु सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी लोग काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं और मैं स्वयं यहाँ बिना बुलाए तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ। तुम अपने गुरुदेव जी की बहुत ही मन लगाकर जो सेवा करते हो तो गुरुदेव जी के मन में सोहम रूप में मैं ही वास करता हूँ, इसलिए तुम्हारी वो सारी गुरु सेवा मुझ तक पहुंचती है और तुम्हारी ये अलौकिक सेवा देख के मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। ऐसे कहने से संदीपक कहने लगा, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, परंतु गुरुदेव से पूछे बगैर मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकता। तो भगवान शिव जी बोले, ठीक है, अपने गुरुदेव जी से पूछ कर आओ। फिर संदीपक अपने गुरुदेव जी के पास गया और कहने लगा, गुरुवर आपकी कृपा से अभी मुझे साक्षात शिव जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं और उन्होंने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं आपका यह कोढ़ और अंधत्व दूर करने का वर उनसे मांग लूं। संदीपक की ये बात सुनकर गुरुदेव जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, संदीपक मेरी सेवा करते करते तुम ऊब गए हो क्या, और ये सेवा टालने के लिए तुम्हें ऐसा करना है? शायद
मेरी सेवा करते करते तुम थक गए हो और इसीलिए ऐसी भीख मांग रहे हो। भगवान शिव जी के कारण मेरा ये प्रारब्ध थोड़ी ही कम होने वाला है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि ये सेवा करना मेरे साथ आना बहुत कष्टदायक है, परंतु तुमने नहीं सुना। तुम अपने जिद पे अटे रहे। चले जाओ, अभी से अभी यहाँ से चले जाओ। गुरुदेव जी के ये सारे वाक्य सुनकर संदीपक दौड़े दौड़े ही प्रभु शिव जी के पास आते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें कहते हैं, हे भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। संदीपक का ये उत्तर सुन के भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, परंतु वो संदीपक को कहने लगे, तुम अपने गुरुदेव जी की कितनी सेवा करते हो, पूरा मन लगाकर सेवा करते हो, और वो तो तुम्हारे ऊपर ही चिढ़ते हैं, तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा होते हैं। गुरुदेव जी की ये निंदा सुनकर संदीपक को अच्छा नहीं लगा और उसने शिव जी से कहा, भक्त का कल्याण तो गुरु कृपा से ही होता है, गुरु कृपा में ही शिष्य का भला होता है। ऐसे कहकर संदीपक वहां से चला जाता है और फिर से अपनी गुरु सेवा में लगता है। यहाँ पे भगवान शिव जी संदीपक की गुरु भक्ति उसका सारा वर्णन भगवान विष्णु को बताते हैं। भगवान श्री विष्णु भी उसके ऊपर बहुत ही प्रभावित होते हैं और वो भी उसकी परीक्षा लेने हेतु वहां पे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री विष्णु को स्वयं के सामने देखकर संदीपक फिर से बहुत ही आनंदित हो गया। भगवान श्री विष्णु ने भी उसे वर मांगने के लिए कहा। ऐसा कहने पर संदीपक ने प्रभु के चरण पकड़े और वो कहने लगा, हे त्रिभुवन के अधिपति, केवल गुरुदेव जी की कृपा के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। मुझे ऐसा वर देना कि मैं सदैव गुरु चरणों में रहूं, मेरे हाथ से निरंतर गुरुदेव जी की सेवा होती रहे, उनका स्मरण होता रहे, यही एकमेव वर मुझे आप दीजिए। उसका ये सब सुनके भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देके वहां से चले गए। ये सारी बातें जब महात्मा वेद धर्म जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता लगती है। वो संदीपक के पास जाकर उसे गले लगाते हैं और पूरे प्रेम भाव से कहने लगते हैं, वत्स, सच में तुम ही एकमेव मेरे सच्चे शिष्य हो, मेरे आदर्श हो, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे हृदय में वास करेगी। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने संदीपक को दिया। फिर भी संदीपक बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि तो मेरे लिए आपके चरणों में ही बसी है और मैं सदैव आनंद की स्थिति में रहूं, यही एकमेव आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। संदीपक के ये सारे वाक्य सुनकर स्वयं गुरुदेव भी बहुत ही आनंद में हो गए और उसी समय गुरुदेव जी का जो कोढ़ था वो सारा चला गया, उनकी कांति फिर से तेजोमय हो गई और फिर अपना जो प्रिय शिष्य था संदीपक, उसकी सच्ची परीक्षा लेने के लिए ही ये सारा किया था और फिर उन्होंने पूरा जो ब्रह्म ज्ञान था उसका जो खजाना था वो सभी संदीपक को दे दिया। तो बाल मित्रों, गुरु भक्ति कैसे होती है ये सभी के ध्यान में आया ना? संदीपक की अपने गुरु के ऊपर कितनी निष्ठा थी, कितनी श्रद्धा थी, तो यही हमें इस कहानी से सीखना है। चलो फिर
अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आज का प्रश्न है, संदीपक के कौन से गुण के कारण भगवान शिव और श्री विष्णु उन पर प्रसन्न हुए थे? और पर्याय है, एक ईश्वर भक्ति, दो मातृ भक्ति और तीन गुरु भक्ति। तो बच्चों, इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, संदीपक में बहुत ही बड़ी मात्रा में गुरु भक्ति थी, जिसके कारण स्वयं भगवान शिव और श्री विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। चलो अब संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। अब हमारे मन में भी ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति भक्ति बढ़नी चाहिए ना? तो इसके लिए नाम जप करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये नाम जप करेंगे। चलो अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को अच्छा लग रहा है ना? तो आपको क्या अनुभव आया यह अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। चलो बाल मित्रों, अब आगे की ओर जाते हैं। अब आज की आदर्श कृति कौन सी है ये हम देखने वाले हैं। बाल मित्रों, आज की आदर्श कृति कौन सी है ये आप सोचते होंगे। कल के हमारे बाल संस्कार वर्ग में हमने भाव कैसे बढ़ाना है ये देखा था। तो आज हम और एक ऐसा ही गुण बढ़ाने के लिए प्रयास करने वाले हैं, और वो गुण है नेतृत्व। आज हम देखेंगे कि नेतृत्व ये गुण कैसे बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पाठशाला में कक्षा का मॉनिटर या कप्तान बनना अच्छा लगता है ना? परंतु कोई बच्चों को ऐसे भी लगता है, अगर मुझे मॉनिटर बना दिया तो मैं वो कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, तो ऐसा संभ्रम भी मन में रहता है। बाल मित्रों, कोई भी कार्य अच्छा हो, संगठित रूप से हो, वो सफल हो, इसके लिए अच्छा नेतृत्व होना बहुत ही आवश्यक होता है। और अच्छा नेतृत्व गुण अगर हम में हो तभी हम अच्छा नेता बन पाएंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुट्ठी भर मावलों को एकत्रित किया, शत्रु से सामना किया और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। ऐसे वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो स्वयं एक अच्छा नेता थे। चलिए फिर आज हम यही सीखने वाले हैं। तो नेतृत्व ये गुण बढ़ाने के लिए कौन से गुण हमें होने चाहिए ये हम देखते हैं। सभी पूरा ध्यान लेके ये सुनना। तो सबसे पहला गुण है स्वयं से पहले करना। जो भी अच्छा नेता होता है ना, वो सबसे आगे रहता है, सबसे आगे खड़ा रहकर उसे वो कार्य करना चाहिए, उसे ही अच्छा नेता कहा जाता है। और इसका जो उदाहरण है वो फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज का ही हम देंगे। पुणे में लाल महल में डेरा डाले बैठा शाइस्ता खान को सबक सिखाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं वहां पे गए थे, और वो भी केवल 400 सैनिकों के साथ। ये जो मुहिम उन्हें फत्ते की, तो इसका पूरा नेतृत्व स्वयं शिवाजी महाराज ने किया था। इसलिए कोई भी नेता का ये सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण है कि नेता ने निरंतर सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए। सभी के ध्यान में आया? अब दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण है अभ्यास पूर्ण निर्णय ले पाना। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेता जो भी निर्णय लेता है उसका परिणाम अन्यों पर होता है। इसलिए जब भी वो कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेगा
तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसका विचार नेताओं को पहले से ही करना चाहिए। वरना अगर वो निर्णय चूक गया, गलत निर्णय लिया, तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें भी कक्षा में हमारे कक्षा के जो अन्य बच्चे हैं, सहयोगी हैं, हमारे पाठशाला के शिक्षक हैं, ज्येष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और उनका विचार, उनका मत ध्यान में लेके फिर निर्णय लेना चाहिए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब भी कोई मुहिम पे जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, तो वो भी जीजा माता या पंताजी गोपीनाथ भोकी इनसे सलाह लेते थे। तो ये दूसरा और महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व का। तीसरा गुण है सभी को लेकर आगे बढ़ना। जो अच्छा नेता होता है, वो जो कार्य चल रहा है उसमें सभी का सहभाग हो, इसकी तरफ ध्यान देता है। परंतु ये करते समय अपना जो मत है वो अन्यों पर लादे नहीं, उनका भी मत ध्यान में ले। हम जो बोल रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है वो उन्हें समझा के देंगे और फिर वो निर्णय सबके साथ मिलकर बोलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी शत्रु पर जब आक्रमण करते थे और उसके पूर्व दाव पेचों की चर्चा करते थे, तब वो उनके मावलों को भी उस चर्चा में शामिल कर लेते थे। तो ऐसे होता है सभी को सहभागी करके फिर आगे जाना। और नेतृत्व बढ़ाने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो साथियों को आधार लगे ऐसा व्यवहार होना चाहिए। बहुत बार कैसे होता है ना बच्चों, जो नेता होता है वो अपने सहयोगियों को अच्छा अनुशासन लगे इसके लिए दंड देता है या कठोरता से निर्णय लेता है। परंतु उसी के साथ ही जो सहयोगी है, उनके साथी है, उन्हें नेता का आधार लगे, इसलिए उन पर प्रेम भी उतना ही करना चाहिए। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का ही उदाहरण है, जब अफजल खान प्रतापगढ़ पर आक्रमण करने वाला था, खंडोजी खोपड़े उससे जाकर मिला, उसने महाराज के साथ विश्वासघात किया। तब महाराज ने उसे बुलाया और उसे बहुत बड़ा दंड दे दिया। इतने महाराज कठोर थे। परंतु उसी समय अफजल खान के छावनी में, उसकी सेवा में जो भी मराठी मावले थे, तो उनकी तरफ भी उनका ध्यान था। उन मावलों के जो घर थे वो पहले ही स्थानांतरित किए गए थे, जिनके कारण युद्ध में या आक्रमण करते समय उनमें कोई हानि न हो, इसका भी उन्होंने ध्यान दिया था। तो ऐसे अपने व्यवहार में अच्छा नेता समतोल रखेगा, तभी वो अच्छा कहलाएगा। तो सभी को ये गुण ध्यान में आया? अब आगे का गुण देखते हैं। साथियों को निरंतर प्रोत्साहित करना, ये भी नेतृत्व गुण बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। जो भी साथी कार्य करते हैं और उससे भी जो अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे करने से उनके मन में उत्साह बढ़ता है और जो भी कार्य करते हैं वो और अच्छे से करने में सहायता होती है। इसलिए निरंतर ऐसी कृति करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब भी कोई मावला युद्ध में अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार देके सम्मानित करते थे। तो यही एक अच्छे नेता की निशानी है। बाद में और नेतृत्व के लिए कौन सा गुण चाहिए? तो वो है संघ भाव से, अर्थात एकत्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करना। जो नेता होता है वो सभी को एकत्रित करके आगे जाता है और ऐसे करने में वो
अपने जो साथी हैं, उन पर यही संस्कार करेगा कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। अगर किसी को कोई अड़चन हो तो उस प्रसंग में हम स्वयं त्याग करेंगे और एकत्रित रहकर ही ये कार्य पूरा करेंगे। और ये करने के लिए जो नेता होता है उसे पहले स्वयं त्याग करना चाहिए, तब भी जो अन्य व्यक्ति है वो त्याग कर सकते हैं और फिर मिलजुल के जो भी कार्य है वो सफल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जिससे हमें पता चलता है कि हमें स्वार्थ से केवल स्वयं का विचार नहीं करना है, तो संघ भाव से अन्यों का विचार करके उनके लिए भी त्याग करना है। यही हम इस गुण से सीख सकते हैं। और आगे का और आखिरी जो गुण है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है संकट काल में स्वयं धैर्य रखना और साथियों को धीरज देना। बाल मित्रों, संकट काल में अगर नेता ही स्वयं घबरा गया तो फिर उसे हम नेता कैसे कह पाएंगे? अच्छा नेता हम किसे कहेंगे? संकट काल में नेता अपना धीरज कभी नहीं खोता, वो स्वयं उस संकट का धैर्य से सामना करता है और अपने जो अन्य साथी हैं, तो उनको भी वो धीरज देता है। कोई भी संकट आया तो अब क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूं, ऐसे विचार नेता के मन में कभी नहीं आते। वो बहुत ही साहसी होता है। कोई भी संकट आए तो पूरे धैर्य से वो उसका सामना करता है और जिसके कारण उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसी के कारण उसके जो अन्य साथी हैं, उनमें भी आत्मविश्वास वो निर्माण कर सकता है। तो ऐसा होता है अच्छा नेता। सभी बच्चों के ध्यान में आया ना? तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी बचपन से ही ये नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए प्रयास करते थे और उसी के कारण वो इतना बड़ा हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर पाए। तो बाल मित्रों, आप सभी बच्चे भी इसी तरीके से अपने में नेतृत्व गुण बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे ना? और हमें सिर्फ नेता नहीं बनना है, तो हमें आदर्श नेता बनना है जो ईश्वर को अच्छा लगे, जो ईश्वर निष्ठ और धर्मनिष्ठ हो, ऐसा नेता हमें बनना है। तो छोटी छोटी कृतियों में भी हम नेतृत्व बढ़ा सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हम पाठशाला से ही करेंगे। सभी बच्चों को आज की कृति अच्छे से पता चली ना? तो आप सभी इसका अवश्य लाभ लें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेतृत्व गुण कैसे अपनाया, इसके बारे में और जानना हो तो सनातन संस्था निर्मित राष्ट्र और धर्म प्रेमी बने ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हम गणपति स्तोत्र कहते हैं। जिन बच्चों के पास इस ग्रंथ की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और पुस्तिका में देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और पूरा मन लगाकर ये स्तोत्र हम कहेंगे। सभी तैयार है? चलिए अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं
नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र आप घर पर भी कहते हो ना? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्तोत्र से हमें बहुत सी शक्ति मिलती है, चैतन्य मिलता है। और अब तो ये स्तोत्र आप घर बैठे सुन भी सकते हो क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में हम जो भी नाम जप श्लोक स्तोत्र सुनते हैं वो सारे उपलब्ध है। एक बार आप ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद उसमें से सारे स्तोत्र श्लोक डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी आप वो सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है परंतु जो श्लोक स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और ये सारे स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। तो सभी बच्चे इसका अवश्य लाभ लें। चलो फिर बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना ना? आज की कहानी कौन सी थी? अच्छी थी ना कहानी? आज हमने गुरु भक्ति करने वाले संदीपक नाम के शिष्य की कहानी सुनी और उसी के साथ बहुत ही अच्छी आदर्श कृति देखी, नेतृत्व गुण कैसे बढ़ाना चाहिए। तो सभी उसके अनुसार अवश्य प्रयास करना। और ये सभी ज्ञान ईश्वर के कृपा के बिना हमें कैसे मिल सकता है? चलिए अब हम ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है? आपको क्या क्या सीखने को मिलता है ये हमें भी अवश्य बताना। और इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो दरपट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क कीजिए। और उसी के साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर कल फिर से एक नई अच्छी कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।